गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के विषम नंबर के बारे में, मतलब ऑड संख्या। ठीक है, ये हमारा टॉपिक फर्स्ट है और टॉपिक फर्स्ट से ही हम जानेंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो विषम संख्या होती है लगभग दो नंबर का आता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर लूँ तो आधा नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है ना, यहाँ पर तो दो नंबर की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ओड जो डे होता है, ओड डे मतलब होता है विषम दिन। ठीक है, इसके बारे में ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, और रीजनिंग को आपको पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम कुंड के साथ। ठीक है, और यदि आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम के चैनल का नाम है क्यूज गड़े, मतलब क्यूज। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे QUIZGARH। ठीक है, जब आप क्यूज गड़ लिखोगे तो वह तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं और बात करते हैं कि ओड संख्या क्या होती है। देखिए, ओड संख्या के बारे में लिखा है कि वह दिन जो सात से अर्थात सात दिनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, मतलब सात दिन से अगर वह मतलब होता है। ठीक है, अगर सात दिन है तो एक सप्ताह बराबर कितना होता है, सात दिन। ठीक है, लेकिन अगर सात दिन से अधिक दिन है तो वह उसका विषम दिन होगा। जैसे कि अगर एक हफ्ता की बात कर लें तो आठ दिन तो होगा नहीं। अगर पूछते कि 18 दिन में, ठीक है, 18 दिन में कितने ऑड डे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि 18 दिन में आपको क्या करना है कि सात से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, क्यों सात से डिवाइड करना है, चूँकि सात से हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारा जो सप्ताह होता है वह सात दिनों का होता है। ठीक है, और ऑड डे को फाइंड करने का तरीका यही है कि कितनी भी संख्या हो उसे आप सात से डिवाइड करो और जितना आपको नीचे मिलता है सेसफुल वही उसका ऑड डे होता है। ठीक है, बात कर लें कि इसको 18 को डिवाइड करना है तो सात को दो बार हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है, अब 14 आ गया तो इन दोनों को घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन इसमें से चार दिन बच जाएगा। मतलब ये जो चार दिन है, ठीक है, ये जो चार दिन है, ठीक है, यही आपका ओड डे होगा। ठीक है ना, तो ये ओड डे कुछ कठिन नहीं है, लेकिन इस ओड डे का भी यूज़ होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया कि ये दो नंबर का होता है। ऐसे कभी क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि 88 दिनों में कितने ओड डे होते हैं। ठीक है, और तो 88 दिनों में आपको क्या करना होगा, तो 88 दिनों में आपको क्या करना होगा, मैं एक क्वेश्चन लगा के दिखा देता हूँ। अगर पूछ दे कि 88 दिनों में कितने ओड डे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ उसको सात से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 88 जो कि देखिए यहाँ पर 8 है, ये 7 है, तो मतलब कट जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक आ जाएगा। ठीक है, फिर 18 डाल लेंगे। ठीक है, ऐसे घटाओगे तो एक ही आएगा ना, फिर 8 डाल लोगे, उसके बाद फिर वही 14। ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, 7 × 2 = 14। ठीक है ना, फिर यहाँ पे काटोगे आप और यहाँ पे आ जाएगा 4 दिन। ठीक है ना, तो फिर से आपका 4 दिन आ गया। ठीक है, और डे भी इसका जो 4 दिन होगा। ठीक है ना, इसमें आप 7 कदम 7 किए। ठीक है, 1 × 1 आया। ठीक है, उसके बाद आपको 8 डाल लेना है, फिर 7 × 2 = 14 कर ले रहा है, 14 करेंगे तो आपका जो घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यही इसका ओड डे होगा। ठीक है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछ ले कि मान लीजिए कि मैं चंद्रमा पे हूँ और मेरे जो सप्ताह का दिन है वो 10 दिन है, मतलब जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पर, जहाँ तक मुझे पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में 7 दिनों को ही हम सप्ताह कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर 7 दिनों को हम ऑड डे नहीं कहते, तो उसे आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आपको सिंपल है,
कि अगर 7 दिन नहीं होगा जहाँ जिस देश में और जहाँ जिस ग्रह पे, ठीक है, अब ग्रह उपग्रह चाहे जो भी हो, अगर जहाँ पर 7 दिन नहीं होगा तो वहाँ पे जितना दिन होगा, जितना दिन वो मानते हैं उसी से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लें कि चंद्रमा पर जो सप्ताह है वह 10 दिन का बराबर होता है, ठीक है। तो एक सप्ताह बराबर 10 दिन, ठीक है। अगर पूछते कि 30 दिनों में कितने और डे होंगे, ठीक है, 30 दिनों में तो एक भी और डे नहीं होगा। अगर पूछते 42 दिनों में, तो आपको 10 चौके 40 मतलब 2, तो ये 2 दिन ही और डे होगा, ठीक है। कितना होगा और डे, ठीक है दोस्तों। और डे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और डे के, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे, क्वेश्चंस भी एक और है उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बड़े ही अंकों के बारे में पूछा गया है कि क्वेश्चन है कि 365 दिनों में कितने और डे होते हैं, ठीक है। 365 दिनों में कितने और डे होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 365 दिन मतलब 1 साल होता है, ठीक है ना। अगर पूछते कि अगर 365 दिन ना लिख कर बोले कि 1 साल में, ठीक है, 1 साल में कितना दिन होता है, ठीक है। नॉर्मली तो एक 365 होता है, एक 366 होता है। ज़्यादा बार कौन होता है 365, कम बार कौन होता है 366, जो कि लीप ईयर होता है और एक अर्ध ईयर होता है, अर्धवार्षिक, ठीक है। तो अगर 365 दिनों के बारे में पूछ ले तो आपको क्या करना है कि 365 को आपको 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 35, 1 5 5 तारे, 7 2 14, उसके बाद 1 बजे, मतलब जो एक दिन होता है 365 दिन में एक दिन ऐसा होता है जो कि ओवर डे होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 542 दिनों में कितना ओवर डे होता है, ठीक है। तो 7 7 49, ठीक है, 7 7 49 बचा 5 उतारे 2 आपने, फिर 7 7 49, ठीक है, इसको घटाओगे तो आपको 3 बचेगा, तो यही आपका 3 दिन जो है वो ओवर डे होगा, ठीक है। और ऐसे 366 दिन में देखिए हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो इसमें देखिए 2 दिन आएगा, ठीक है, यही का देना है 7 5 35, फिर उसके बाद 1 5 6 उतारे, 7 2 14, 2 4 तो 2 8 आएगा और डे, ठीक है। तो आई थिंक आपको और डे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेंगे कि और डे के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या होता है, और एग्ज़ाम में किस तरीके से जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और किस तरीके से आते हैं उसके क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, और क्यूज़ घर पे भी आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, थैंक यू।